हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे त्यौहार में स्पेशल या फेस्टिवल स्पेशल बिना मावा बिना मिल्क पाउडर सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट से एकदम हलवाई जैसे बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट दानेदार मुंह में घुल जाने वाला गुजरात का फेमस मोहन थाल। और आप देख सकते हैं मोहन थाल हमारा बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इसकी फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें कोई भी कटोरी या कप सेट कर ले। उससे हम 2 कटोरी बेसन लेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल बारीक वाला बेसन का यूज़ किया है, आप किसी भी बेसन का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 3 चम्मच घी डालेंगे। घी हम मेल्टेड ही यूज़ करेंगे, आप घी की जगह सिर्फ दूध या सिर्फ घी भी डाल करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें सेम 3 चम्मच ही दूध डालेंगे। यहाँ मैंने दूध और घी दोनों को यूज़ किया है। और अब हम इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसे साफ हाथ से अच्छे से मसलते हुए बेसन में घी और दूध को मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट में। ये देखिए बेसन हमारा बिल्कुल परफेक्ट और दानेदार बन के तैयार हो गया है। और अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे और इस तरीके का मोटे वाला छन्नी लेंगे। और अब हम इसके ऊपर बेसन डालेंगे। यहाँ मैं बेसन को छान के इसका यूज़ करूँगी, आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे चम्मच से अच्छे से मिलाते हुए छान लेंगे, जिससे बेसन हमारा बिल्कुल परफेक्ट और दानेदार छन के तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे बेसन को अच्छे से छान लिया है। और आप देख सकते हैं बेसन हमारा बिल्कुल सूजी के जैसा दानेदार हो गया है। और अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो गया है, हम इसे चेक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका दाना बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में हम 1 कटोरी घी डालेंगे। यहाँ मैंने 2 कटोरी बेसन लिया था, तो इसके लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी घी का यूज़ किया है। कम घी में इसे बनाना चाहते हैं तो आधा घी और आधा अनफ्लेवर कुकिंग ऑयल भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए बेसन को अच्छे से घी में चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम बेसन को इस तरीके से चलाते हुए स्पैचुला से कंटिन्यू भूनेंगे, जिससे बेसन हमारा अच्छे से सिक जाएगा या भुन जाएगा और इसका बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, जिससे बेसन हमारे जलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे तरह से बेसन हमारे भुनेंगे। और आप देख सकते हैं बेसन का एक एक दाना बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। और बेसन को भूनते हुए यहाँ मुझे 8 मिनट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं बेसन बहुत ही अच्छे से भुन गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। हम स्पैचुला से इस तरीके से चलाते हुए दबा लेंगे और इस टाइम पे हम इसमें 5 चम्मच दूध डालेंगे। दूध डालकर गैस का फ्लेम 2 से 3 सेकंड के लिए हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और आप देख सकते हैं बेसन हमारा अच्छे से दूध में भुन गया है। और अब हम 5 चम्मच और दूध डाल करके फिर से इसे अच्छे से बेसन में मिला लेंगे और इसे चलाते हुए फिर से हम भून लेंगे, जिससे बेसन का दाना और अच्छे तरीके से बनेगा और हमारा मोहन थाल बहुत ही बढ़िया बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार होगा। इस तरीके से अगर आप मोहन थाल बनाएंगे तो बाज़ार की मिलावटी मिठाई लाने की वजह आप घर पे ही बहुत ही कम समय में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई घर पे ही बना के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से हमारा दूध को भी सोख चुका है और बेसन हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गई है। और अब हम इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और कढ़ाई को हम दूसरे गैस पे रखेंगे। और इस गैस पे हम एक सॉस पैन डालेंगे और सॉस पैन में
तीन से चार चम्मच पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और अब हम इसमें यहाँ मैंने जितना बेसन लिया था उसके हाफ चीनी ले रही हूँ। चीनी यहाँ काफ़ी मोटा और दानेदार है, तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप जितना बेसन ले रहे हैं उतना ही चीनी ले। और अब हम इसे स्पैचुला से चलाते हुए इसका एक तार की चाशनी बना लेंगे। और आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया। हम इसमें कुटी हुई एक से दो इलायची डालेंगे और अब हम इलायची को भी अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 7 से 8 केसर के धागे डालेंगे और गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे और हम इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे। हम स्पैचुला पे चाशनी लेंगे और इसे फिंगर पे डालेंगे और आप देख सकते हैं 2 फिंगर के बीच में इसका परफेक्ट तार बन रहा है। इसका मतलब है कि चाशनी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें 5 से 6 बूंद केसरी फूड कलर डालेंगे। ये डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम चाशनी में फूड कलर को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हम बेसन वाला कढ़ाई लेंगे और अब हम इसमें पके हुए चाशनी डालेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ ही रखेंगे। और अब हम बेसन में चाशनी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। बेसन भी हमारा अभी काफ़ी गर्म है तो हम इसे अच्छे से स्पैचुला से ही चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे बेसन में चाशनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और इसका एक एक दाना बिल्कुल अच्छे से चाशनी को सोख लेगा। और आप देख सकते हैं चाशनी हमारा बेसन में अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका बिल्कुल हलवे वाला टेक्सचर बन के तैयार हो गया है। हम इसे स्पैचुला से अच्छे से दबाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे इसका एक एक दाना चाशनी अच्छे से सोख लेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से बेसन और चाशनी को मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे और अब हम इसे सेट करने के लिए एक थाली या प्लेट लेंगे और इसके ऊपर घी डालकर हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने थाली में स्पैचुला से अच्छे से घी को फैला लिया है। और अब हम इसमें मोहन थाल सेट करने के लिए बेसन और चाशनी वाला बैटर डालेंगे और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। और अब हम स्पैचुला से ही इसे अच्छे से फैला लेंगे और इसे स्क्वायर शेप देंगे। इस तरीके से अगर आप मोहन थाल बनाएंगे तो मोहन थाल आपके बहुत ही स्वादिष्ट और अंदर से बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला बनके तैयार होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और ये देखिए यहाँ मैंने मोहन थाल को अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे। यहाँ मैंने आधे में वर्क लगाया है और आधे में हुए पिस्ता और आलमंड डालेंगे। आप चाहे तो अपने पसंद के भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और अब हम स्पैचुला से ड्राई फ्रूट को अच्छे से दबाते हुए मोहन थाल में सेट कर लेंगे। और मोहन थाल हमारा गर्म है और इसी टाइम पे हम नाइफ से इसे कट कर लेंगे। जैसे ये सेट होगा और ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो हम इस टाइम पे ही इसे अच्छे से कट कर लेंगे, जिससे हमें ठंडा होने के बाद कट करने में इसका प्रॉब्लम नहीं होगी और इसका बिल्कुल परफेक्ट सेफ मोहन थाल वाला सेट हो जाएगा। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आधा घंटा हो गया और आप देख सकते हैं मोहन थाल हमारे बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं और इसका एक एक पीस बिल्कुल परफेक्ट बना है। और मैं इसे आपको पास से दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं मोहन थाल हमारा बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार हुआ है और इसका दाना दाना बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम चलिए इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और इस तरीके से आप मिठाई बनाएंगे तो घर पे बच्चे हो या बड़े या आपके मेहमान, किसी को बिलीव ही नहीं होगा कि आपने इतनी अच्छी स्वादिष्ट मिठाई घर पे बनाई है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे प्लेट में अच्छे से सर्व कर ले रही हूँ। तो इस त्यौहार आप भी इस तरीके से बिना मिलावटी घर पे ही झटपट से मिठाई बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में।